हमीरपुर के बाल स्कूल खेल मैदान में हिमाचल स्कूली क्रीड़ा संगठन और शिक्षा विभाग के सौजन्य से उच्च व वरिष्ठ पाठशालाओं की 60वीं राज्य स्तरीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ SDM हमीरपुर अरदीम चौधरी ने किया। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के स्कूलों के 608 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और 3 दिनों तक प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। शुभारंभ अवसर पर खिलाड़ियों ने शानदार मार्च पास की सलामी भी दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि SDM हमीरपुर अरदीम चौधरी ने कहा कि प्रतियोगिता में हार जीत से घबराना नहीं चाहिए और हारने पर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि मेहनत करके आगे आने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा में अनुशासन में रहकर खेलना चाहिए और अनुशासन में रहने से जीवन सफल होता है। यह खेल प्रतियोगिता जो 3 दिन की आज से बेसिकली आप किक स्टार्ट करेंगे, उसके लिए मैं तो आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आप सभी को आग्रह करूंगा कि जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस है, जितना आपने पसीना बहाया है साल भर इस प्रतियोगिता के लिए, उतना आप करें। हर कोई तो वही जीत सकता, एक ही बंदा फर्स्ट होगा, दूसरा सेकेंड होगा और एक थर्ड होगा, यही 3 मेडल मिलते हैं। तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इन तीनों में अपना पद स्थापना करें और जो हारे उनसे आग्रह करूंगा कि अगले साल फिर मेहनत करके दोबारा मेडल की भागदौड़ में फिर आगे आए। लास्ट लाइन में मैं आप लोगों के बीच रहना चाहूंगा, एक स्पोर्ट्समैनशिप के लिए कही जाती है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए पर एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी होना चाहिए, मान मर्यादाओं में रहकर डिसिप्लिन भी आपका पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि लड़ बढ़कर जीत रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। खेलों की जो समझ है वो स्पोर्ट्समैनशिप डेवलपमेंट के लिए ही होती है, जो आप लोगों के करिकुलम में एडेड है, डिसिप्लिन और स्पोर्ट्समैनशिप की स्पिरिट डेवलप करने के लिए आपके करिकुलम में। तो इन दोनों चीजों का आप ध्यान रखिएगा। आई मे द बेस्ट प्लेयर विन, आई विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। मैं हिमाचली स्कूली क्रीड़ा संघ की उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के छात्राओं की 60वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं।